आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे चौदह साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है साथियों मुंबई में जो हुआ वो आतंक की पराकाष्ठा थी लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है सूरत हो अहमदाबाद हो इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनेगारों को गंभीर सजा दी है गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर स्लेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे उन पर कार्रवाई करते थे लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा आप याद करिए दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे रोने कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है एपीजमेंट तुष्टिकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है कुछ लोगों को बुरा न लग जाए अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल उनके मुंह पे ताला लग जाता है चुप्पी साध लेते हैं इतना ही नहीं जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की प्रेरित करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं भाइयों बहनों ऐसे दलों से गुजरात को देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है साथियों 2014 में आपके एक बोट ने आपके वोट की ताकत देखिए आपके एक बोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है भारत के शहरों में तो छोड़िए अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को सौ सो बार सोचना पड़ता है अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं भाइयों और बहनों दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया वो आतंक के चंगुल में फंस गया आतंक की विचारधारा गई नहीं है कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो आतंक पर लगम, लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है रखना है कि नहीं रखना है रखना है कि नहीं रखना है गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है और ये काम कौन कर सकता है भाइयों ये काम कौन कर सकता है ये काम कौन कर सकता है ये काम कौन कर सकता है ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है